हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 86 की, और लेक्चर नंबर 86 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है उसमें हमें कैसे हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालते हैं। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद बॉन्ड पेयर, उसके बाद लोन पेयर, और लोन पेयर का अरेंजमेंट जो बच गए बॉन्ड पेयर डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो मैं एन की वैल्यू 4 तक बात कर चुका था, एन की वैल्यू 5 मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन लास्ट लेक्चर में चल रहा था, उसको एक्सप्लेन किया था। अब उसके लिए कंडीशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट जहां से कंटिन्यू करते हैं कि एन की वैल्यू आई थी अपने पास 5 और हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3d। तो इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। एन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और लास्ट में है शेप और ज्योमेट्री, ठीक है। तो हमें पता है sp3d जो है वो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर गोज 8 इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था ड्यू टू लेस रिपल्सन। तो एन की वैल्यू यदि में 5 आई है तो बॉन्ड पेयर भी 5 है, तो लोन पेयर 0 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 थे, 5 के 5 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? टीबीपी। टीबीपी किसको बोला है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड को बोला है। शेप और ज्योमेट्री भी यहां पे क्या हो जाएगी? टीबीपी, ये वाली ट्राइगोनल और ये दो पिरामिड। अब अगर एन की वैल्यू, तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये ए, ये भी नॉन प्लेनर और नॉन पोलर, नॉन प्लेनर और नॉन पोलर। फिर यदि इसकी वैल्यू हो जाए, एन की वैल्यू तो 5 ही आए बट केवल 4 ही बोन पेयर हो, तो लोन पेयर कितने हो गया? 1। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो हालवेज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है? टीबीपी। लोन पेयर कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पोर्शन कौन सी है? ये इक्वेटोरियल है, ये एक्जियल है, कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे। तो इन तीनों में से किसी भी इक्वेटोरियल पोर्शन पे भेज दो तो बच जाएगा के शेप बोल दो या फिर सी सा बोल दो या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दो। कैसे बोल दो, सीसा बोल दो या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दो। देखो ए और ये लोन पेयर, ये भी रह गया, ये भी रह गया, और ये भी, और ये भी बन गया कि के मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। कैसे? 1, 2, 3 ये ट्राइगोनल हो गया और दो पिरामिडल आपने यहां पे लोन पेयर रख दिया। तो बोन पेयर ए से बी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये और ये बन गया के शेप। या इसको मैं ऐसे खड़ा कर देता हूं तो ये सी साथ जो बच्चे झूलते हैं वैसा बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है ये के शेप है, ये नॉन प्लेनर है और नॉन पोलर है, सॉरी पोलर है। यही 5 आ जाए, केवल 3 बोन पेयर हो तो 1 लोन पेयर हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ जाएगा, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो 2 पे आएगी आपके पास टी शेप, और 2 लोन पेयर आपने रखे ए, ये बी,
ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये बी, तो टी बच गया ना, टी शेप, ये प्लेनर हो गई और पोलर हो गई। उसके बाद वही फाइव आए, ये टू और ये थ्री रहे, टी बी पी आएगा और यहां पे आएगा लीनियर, लीनियर आएगा, तीनों के तीनों लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर, दूसरा तीसरा, ये भी और ये भी लीनियर, ये लीनियर हो गई, ठीक है। और लीनियर प्लेनर है अभी इस कंडीशन में, अगर ये बी बी दोनों सेम है तो ये नॉन पोलर होगी। एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल आ जाएगा पीसीएल फाइव, पीवीआर फाइव, ठीक है। इसकी बात करें तो यहां नॉन पोलर और पोलर बोला है, तो यहां आ जाएगा के शेप, टी ई सी एल फोर, ठीक है। यहां आ जाएगा सी एल एफ थ्री, यहां आ जाएगा आई सी एल टू माइनस, या फिर आई थ्री माइनस, आई थ्री माइनस लिख सकता हूं, आई आई टू माइनस, या फिर अक्स ई एफ टू, ये यहां आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो गई एन की वैल्यू फाइव पे, और बाकी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, नॉन प्लेनर होगा या प्लेनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एन की वैल्यू सिक्स आने पे क्या होगा, ठीक है बेटा। सिक्स देखो, एन की वैल्यू सिक्स आने पर हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी थ्री डी टू, कौन सा होगा, एस पी थ्री डी टू। एन की वैल्यू सिक्स, हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी थ्री डी टू, और एस पी थ्री डी टू का मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल, क्या मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये ए, ये लो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोल दो या फिर बोल दो स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर हो गया और इस पे दो पिरामिडल लगा दिए, बाई का मतलब टू और पिरामिडल, तो ये हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। अब देखो सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, एन की वैल्यू सिक्स मतलब सिक्स, ये एसपी थ्री डी टू, ये वाला sp3 d2, ये वाला sp3 d2, ये वाला वाला सिक्स, और ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, यहां सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, सेम है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, सभी के सभी क्या है, यहां सेम है, देर इज नो, देर इज नो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, देर इज नो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, यहां एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं है। बॉन्ड एंगल यहां पे कितना आएगा, दो तरह के बॉन्ड एंगल है, 180 के और 90 के। देखो अगर इसकी बात करूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये 490 है और एक 180 है, 490 और एक ये 180। इसकी बात करूं तो ये 180 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब स्क्वायर और ये वाला, तो इसके रेस्पेक्ट में 90, 90, 90, 90 और नीचे वाला 180, 490, एक 180। अब मैं इसको चेक करता हूं, तो ये 90, ये 90, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये 180, तो इसका मतलब सेम है, देयर इज नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल, देयर इज नो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, बॉन्ड एंगल 180 और 90, तो लोन पेयर गोज एनीवेयर, तो लोन पेयर जब सभी सेम है तो लोन पेयर कहीं भी भेज दो, डिफरेंट होते तो वहां भेजते जहां रिपल्सन मिनिमम होता, तो लोन पेयर गोज एनी वेयर, लोन पेयर आप कहीं भी भेज सकते हो, ठीक है। सेकंड लोन पेयर गोज फर्स्ट लोन पेयर
फर्स्ट लोन पेयर गोज एनीवेयर, सेकंड लोन पेयर गोज अपोजिट टू फर्स्ट लोन पेयर. सेकंड लोन पेयर गोज 180 टू फर्स्ट लोन पेयर. सेकंड लोन पेयर 180 पे जाएगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में. तो देखो एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 6 ली, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री. बॉन्ड पेयर भी 6 आ गए तो लोन पेयर 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल. OH को बोलता हूं मैं ऑक्टाहेड्रल, OH ऑक्टाहेड्रल. ये भी क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल. तो ये बन गया ए 6 के 6 लोग बोन पेयर है, बी बी. और यहां पे ये नॉन प्लेनर, नॉन पोलर, ठीक है. एन की वैल्यू 6 है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है आपके पास 5, तो लोन पेयर 1 आ गया. इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आ जाएगी वही ऑक्टाहाइड्रल, यहां चेंज हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. और बात करूं स्क्वायर पिरामिडल की तो देखो ए, ये बी, ये लोन पेयर और ये बी, कहीं भी भेज दो यही बनने वाला है. आप बोलोगे सर हम तो यहां नहीं भेजे, तो ये स्क्वायर और ए की पिरामिडल बचा. आप बोलोगे सर हम तो यहां भेजेंगे, तो भैया तुम खुश रहो, ये लोन पेयर, ये बी और ये बी. अब इसको देखोगे तो भी ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल ही है, ठीक है. तो कैसे भी देख लो ये बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों क्या है, ये आइडेंटिकल है. अब यहां पे एन की वैल्यू 642 ऑक्टाहेड्रल, अब यहां हो जाएगी स्क्वायर. अच्छा ये इसकी बात करूं तो नॉन प्लेनर एंड पोलर, पोलर होगा मॉलिक्यूल, लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी. कैसे आएगी देखो, मान लो फर्स्ट लोन पेयर आपने यहां भेजा था, दो लोन पेयर है, तो सेकंड लोन पेयर फर्स्ट लोन पेयर के 180 पे जाएगा, यहां जाएगा, ये बनाओ. या फिर आपने मान लो फर्स्ट लोन पेयर यहां भेजा तो सेकंड लोन पेयर यहां जाएगा, दोनों को चेक कर लियो, ये भी स्क्वायर प्लेनर है और इसको चेक करोगे तो भी स्क्वायर प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, प्लेनर एंड नॉन पोलर यदि ये सभी सेम है तो. वो बात करूंगा मैं अभी कि होगा या नहीं होगा. एग्जाम्पल बात करूं तो यहां एग्जाम्पल आएगा SF6 निकाले. देखो SF6 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 यहां से आए, 2 क्या आया 6, एन की वैल्यू कितनी आई 6, बॉन्ड पेयर कितने 6, लोन पेयर कितने हो गए 0, ये आ जाएगा इसमें. इसकी बात करें अक्स ई F5 प्लस, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, 5 फ्लोरीन से, -1 +1 का कम हो जाएगा 2, कितना आएगा 12 6, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं केवल 5, लोन पेयर कितना हो गया 1. इसकी बात करूं तो इसका भी आ जाएगा अक्स ई F4 8 +4 2 6, एन की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर कितने 4, तो लोन पेयर कितने हो गए. ये बात हुई ऑक्टाहाइड्रल की और होपफुली समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं एन की वैल्यू 7 पे.
एन की वैल्यू 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ध्यान रखना इसमें कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुए हैं, ये क्वेश्चन यहां से बनता है, s px py pz dx2 y2 dxy और dz2, ये वाले जिसमें ये दो, ये तो है नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल पीछे बता चुका हूं, और ये वाले हैं एक्सियल दोनों, ये बता चुका हूं ये वाले पार्टिसिपेट होते हैं। तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं, तो आएगा sp3d3। यहां इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो आती है, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आता है, वो आता है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या आता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोन बनाओ, ये पेंटागोन और ये सेंट्रल एटम, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये सिक्स हाइब्रिड, फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल, पांच हो गए। और दो पिरामिडल लगा दो, ये पिरामिडल और ये पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल देखो कितना है यहां पे, बॉन्ड एंगल कितने एंगल है इसमें, ये और ये कितना हो गया 180। जी ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कितना है 90, भाई पेंटागोन है और ये यहां पे है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में कितना हो गया 90 भी है, और ये आपस में ये वाला कितना है 72, और इन दो के बीच की बात करूं ये वाला कितना हो गया इसका जस्ट डबल 144। तो यहां 90 भी है, 72 भी है, 144 भी है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल, यहां पे इतने बॉन्ड एंगल आ गए 180, 90, 72, 144। यहां पे तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, जैसे ये वाला तो है एक्सियल, क्योंकि एक्सियल कितने से रिपल हो रहा है, एक्सियल के रिस्पेक्ट में 590 है, 590 है और एक 180 है, और ये वाला है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का मतलब ये 72, ये वाला 72, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में यहां से यहां जाऊंगा, इसके रिस्पेक्ट में यहां से यहां, भाई इसके जस्ट पास वाला तो 72 हो गया, और अगर इसको इसके रेस्पेक्ट में चेक करूंगा तो ये वाला कितना बोला है मैंने 144 बोला है, ठीक है। तो अलग अलग रिपल्सन हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहां पे लोन पेयर गोज एट एक्सियल पोजिशन, देखो ध्यान रखना sp3d में लोन पेयर गोज एट इक्वेटोरियल पोजिशन, बट इन sp3d3, क्योंकि यही दो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास डिफरेंट है, बाकी सभी सेम है, लोन पेयर गोज एट एक्सियल पोजिशन, लोन पेयर कहां जाएंगे एक्सियल पोजिशन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पहले लिख रहा हूं लोन पेयर गोज एट एक्सियल पोजिशन, लोन पेयर कहां जाएगा एक्सियल पोजिशन पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद और बोलूं, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर
देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ मतलब उसका जस्ट अपोजिट हुआ है, उसमें वहां जो इसमें पढ़ रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ से, और ये भी मैं बोल सकता हूं ये तभी है वेन सराउंडिंग एटम आर सेम, जब सराउंडिंग एटम क्या हो सेम हो तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो लोन पर गोज एट एक्सियल पोर्शन, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है एक्सियल बॉन्ड लेंथ से वेन सराउंडिंग एटम आर सेम। अब देखो एन की वैल्यू आई 7, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री शेप ज्योमेट्री, एन की वैल्यू रखी 7, तो 7 के 7 बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो गया 0, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल पीबीपी, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, शेप और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल लें तो जैसे आई एफ 7, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, 7 कहां से आए फ्लोरीन से, 2 से क्या कर दिया डिवाइडेड, एन की वैल्यू कितनी आ गई 7, बॉन्ड पेयर कितने हैं 7, लोन पेयर कितने हैं 0, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी आई एफ 7 की, आई ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है। नॉन प्लेनर है क्या, बेसिकली नॉन प्लेनर है, प्लेनर तो है ही नहीं, और नॉन पोलर बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर एंड ऑल बॉन्ड पेयर आर सेम, इसलिए नॉन पोलर। दूसरी पॉसिबिलिटी रहती है 7 और बॉन्ड पेयर मैंने लिया 6, लोन पेयर लिया मैंने 1, ये पीबीपी और यहां शेप और ज्योमेट्री आएगी वो आएगी पेंटागोनल पिरामिडल या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये जो ज्योमेट्री आएगी तो देखो बी ये बी ये लोन पेयर और ये प्लेनर, तो एक ही पिरामिडल लगाया अब एक्सियल पोर्शन पे क्या भेज दिया लोन पेयर, इसका है पेंटागोनल पिरामिडल बोलते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, नॉन प्लेनर है ये भी और ये क्या है एंड पोलर है। अब ये पोलर नॉन पोलर तो आगे हम पढ़ेंगे, एग्जांपल हो जाएगा इसका एक्स ई एफ माइनस, एग्जांपल हो जाएगा इसका एक्स ई एफ माइनस। तो ये था ज्योमेट्री का कंसेप्ट, कहां कौन कैसा रहेगा। होपफुली ज्योमेट्री सबको निकालना आती होगी, कुछ नहीं करना, हाउ टू डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ टू डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसका सीधा सा कंसेप्ट है वो कैसे निकालता है, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और पोर्शन ऑफ लोन पेयर चेक कर ले, मिटाऊं। चलो तो जितनी पॉसिबिलिटी बनती थी वो सब मैंने बता दी है। अब बात करते हैं सीधा सा कंसेप्ट, आप सारे कंसेप्ट बता दिए, हाउ टू डिसाइड ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर,
थर्ड पोजिशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। फोर्थ पोजिशन ऑफ बोन पेयर डिसाइड ज्योमेट्री, ये लो। इस वजह से लगाना है, किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री आपको निकालनी है तो इस वे से आपको आना है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, नंबर ऑफ, जैसे मैं लू एक्स ई ओ थ्री, तो इसका मुझे ज्योमेट्री निकालना है। अब और ये बता देता हूं, सेम स्ट्रक्चर हैविंग सेम स्ट्रक्चर या सेम शेप हैविंग आयन और मॉलिक्यूल आर आइसो स्ट्रक्चरल टू ईच अदर, सेम स्ट्रक्चर एंड शेप हैविंग आयन और मॉलिक्यूल आर आइसो स्ट्रक्चरल टू ईच अदर, एक दूसरे के आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। इफ नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर सेम देन मॉलिक्यूल्स और आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, ठीक है। तो पहले मैं तो अक्षीय O3 को बात करता हूं, फिर इन दोनों पॉइंटों की बात करता हूं। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब बताया, सेम स्ट्रक्चर है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, नॉट ए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि सेम आते हैं तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अक्ष ई ओ थ्री की बात करो, देखो जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने कितने 8, ऑक्सीजन को गिनना है क्या, नहीं जी, किससे कर दो 2 से डिवाइडेड कर दो, क्या आ गया 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4, बोन पेयर 4 पेयर है, 4 में से कितने पेयर बन रहे हैं, कितने बना रहा है 3, लोन पेयर कितना आ गया 1, लोन पेयर कितना आ गया 1, तो देखो एन की वैल्यू 4 पे, तो बोले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो वो तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और बोले शेप और ज्योमेट्री तो एक बोन पेयर और 3 लोन पेयर पे कौन सी ज्योमेट्री होती है, एक बोन पेयर और 3 लोन पेयर पे कौन सी ज्योमेट्री होती है, पिरामिडल। सोलो अक्ष ई ओ ओ और ये लोन पेयर पिरामिडल हो गया। अब जैसे मैं लू सी एच फोर एन एच फोर प्लस, तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, 4, हाइड्रोजन से 2, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 4, हाइड्रोजन से प्लस का मतलब एक कम कर दो 2, तो एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4, बोन पेयर कितने 4 में से 4 बोन पेयर बन गए, 4 में से 4 बन गए, लोन पेयर कितना 0, 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, इसका भी sp3, इसका भी sp3, बोन पेयर भी सेम है, लोन पेयर 0, तो ये जो इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, और ये भी टेट्राहेड्रल, इसका मतलब दीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, ये क्या है आइसो स्ट्रक्चरल है। अब देखो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, तो CH4 कार्बन के पास 12 होते हैं क्या, 4 हाइड्रोजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, अमोनियम आयन नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सॉरी 6 और 4, 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अमोनिया के पास 7, 4 हाइड्रोजन और एक कम हो गया कितना आ गया 10, मतलब ये जो पेयर है आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं CH4 NH4 प्लस O-2 Na+ नियोन N-3 C-4 दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है सेम है, तो ये क्या हो गए आइसो
इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरा कंक्लूजन मैंने कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, समझ में आ गया होगा। जैसे मैं लूं क्या BeCl2 और SnCl2 आइसोस्ट्रक्चरल है क्या? नॉट ए आइसोस्ट्रक्चरल, नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एवरेज निकालोगे sp, इसका आएगा sp2, नहीं है। अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि एवरेज सेम आना चाहिए, तभी सेम हो ना। जैसे SnCl2 और H2O, इसका एवरेज निकालोगे sp3, ठीक है। तो Sn sp2 BeCl2, ये तो आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। देखो इधर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता हूं, ऐसे करता हूं, मिटाऊं, देखो एक बार ऐसे डिसाइड करना है। ये कंसेप्ट बता दिया मैंने, अब लास्ट में पूरी मलाई निकाल के आपको दे दी है, पूरा कंक्लूड मैंने कर दिया है। ट्यूशन लगाएं मॉड्यूल के, हो जाएंगे। देखो जैसे लिया BeCl2 SnCl2 CO2 H2O BF3, ठीक है, BH3 और NH3 CH3 plus CH3 minus और NH3। अब इनका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सबसे पहले जब भी मिले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आइडिया हो जाएगा ज्योमेट्री का। BeCl2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 2, यहां से 2, N की वैल्यू आ गई 2। Sn के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 2 2, N की वैल्यू आ गई 3। CO2 कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन को गिनना नहीं है, 2 2। H2O सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन आता है तब तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन को नहीं गिनते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, 2 हाइड्रोजन से 2 4। बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3, 3 हाइड्रोजन से 2 3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 3 2 और ये 4। CH3 कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 3, प्लस का मतलब एक कम कर दो, 2 3। यहां बात करूं कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 4 3, हाइड्रोजन से एक नेगेटिव का 2 4, 5 3 2 और ये 4। अब हाइब्रिडाइजेशन निकलो, sp sp2 sp sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 और ये sp3। अब देखो बॉन्ड पेयर लिखो, बॉन्ड पेयर कितने? दो। कितने? दो। कितने? दो। दो लोन, दो बॉन्ड पेयर, दो एन की वैल्यू दो है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दो है, दोनों के दोनों ने बॉन्ड बना लिए, दो, तीन, 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 तीन और तीन। अब यहां बात करूं लोन पेयर, तो दो दो जीरो, दो तीन दो एक, दो दो जीरो, चार दो दो, तीन तीन जीरो, चार तीन एक, तीन तीन जीरो, चार तीन एक, चार तीन एक। अब इस पे क्या शेप आएगी? sp लोन पेयर जीरो है तो लीनियर आएगा क्या? लीनियर। SnCl2 दो बोन पेयर एक लोन पेयर, बेंट शेप आता है, देख लें बेंट। CO2 जीरो लोन पेयर दो तो लीनियर। यहां बात करूं H2O की तो बेंट शेप, देख लिया आप। sp3 में जाए और देखिए वहां दो बोन पेयर और दो लोन पेयर पे कौन सी शेप बनाई है, बेंट शेप या वी शेप लिखा है। यहां ट्राइगोनल प्लेनर, यहां पे पिरामिडल,
यहां पे CH3 प्लस ट्राइगोनल प्लेनर और यहां पे पिरामिडल और यहां पे पिरामिडल। अब इनमें से सेम कौन सा है जिनका स्ट्रक्चर सेम है? तो देखो BeCl2 और CO2 आइसोस्ट्रक्चरल है, SnCl2 H2O आइसोस्ट्रक्चरल है, फिर SnCl2 H2O आइसोस्ट्रक्चरल है, फिर देखो BH3 CH3 प्लस आइसोस्ट्रक्चरल है, फिर बच गया आपके पास NH3 और CH3 माइनस, ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ जाए तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएगा। जैसे यहां बात करूं ना तो ये वाला ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, ये बात करूं तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देख लो यार, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं 3, कार्बन के पास 6 3 प्लस 1 10 आ गया ना, 5 3 6 3 -1, तो सेम आ गया। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल का। अब मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं, मिटाऊं चलो मिटा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो प्लेनर ज्योमेट्री, और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। सबसे पहले SP निकाला, SP पे लीनियर आता है तो लीनियर प्लेनर है। फिर SP2 पे हमने दो निकाला, ट्राइगोनल प्लेनर जब लोन पे नहीं थे, जब एक लोन पर आ गया तो हमने निकाला बेंट, वो दोनों ही प्लेनर हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बेंट शेप या फिर वी शेप, ये प्लेनर है। फिर SP3 पे आ गए, SP3 पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर है, एक लोन पर होता है तो पिरामिडल होता है, वो भी क्या है नॉन प्लेनर है, टेट्राहेड्रल पिरामिडल ये भी नॉन प्लेनर है। उसके बाद हम आए दो लोन पेयर, तो बेंट शेप आया और वी शेप आया, प्लेनर हो गया। फिर आ गए हम SP3D पे, पहले आए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक लोन पेयर आया तो के शेप या फिर सीसा, फिर आया टी शेप प्लेनर हो गया, फिर आया लीनियर तो वो भी प्लेनर हो गया। ऑक्टाहेड्रल में पहले आया ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर है, फिर ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पर आ गया तो आ गया स्क्वायर पिरामिडल, ये भी लोन प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर क्या हो गई प्लेनर हो गई। फिर पेंटागोनल में आए, ठीक है पेंटागोनल बाई पिरामिडल और पेंटागोनल पिरामिडल, और पेंटागोनल प्लेनर प्लेनर हो जाएगी। जब नाम में प्लेनर आ गया तो प्लेनर ही होगी। ये लो, ये वाली प्लेनर ज्योमेट्री और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री कौन सी है वो मैंने बता दिया है, और देखना भी आना चाहिए भाई। इनको मैं एक ही प्लेन में बना सकता हूं, इनको एक प्लेन में नहीं बना सकता। जैसे के मुझे बनाना है तो के एक पीछे की तरफ जाएगा, एक आगे की तरफ आएगा, ये के एक इधर है और एक इधर है, तो एक ही प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो प्लेनर ज्योमेट्री और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री ये बात हो गई। अब और क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं।
फिर है हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। देखो इधर हाँ प्रश्न आया sp2 sp3। हाइब्रिड आया sp2 और sp3 हाइब्रिड आया, या फिर इसके बाद आया अदर, कोई सा भी आ जाओ चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसपी आया तो एन हाइब्रिड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एसपी के पास कितने हैं भाई? टोटल पी सबको पता है तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। टोटल पी तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब यदि पी एक पी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो चुका है तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल कितने हैं? टू पी, मतलब दो पी इसके पास अनहाइब्रिड है। sp2 तीन पी, दो पी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो चुके हैं, कितना अनहाइब्रिड बच गया? वन पी। sp3 तीन पे थे, पी के पी तीनों ही पी क्या हो चुके हैं? हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब यहां अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां जीरो पी, एक भी पी नहीं है। यहां भी अदर में भी बात करूं तो sp3d sp3d2, वहां भी p कंप्लीट काम में आ चुका है, तो यहां भी जीरो p। sp3 ठीक है, p इसके पास नहीं है, बट मे बी हैव अनहाइब्रिड d, बट ये अनहाइब्रिड डी रख सकता है, बट मे बी हैव अनहाइब्रिड डी, और यहां भी हैव अनहाइब्रिड डी। अब अनहाइब्रिड डी कब होगा? सेंट्रल एटम डू नॉट बिलोंग टू सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में डी नहीं होता है। sp3 और अदर में जो है ना वो सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम belongs to second period, then do not have d, तब तो d होगा ही नहीं क्योंकि second period में d आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां यहां क्या बनेगा? दो p है तो possible pi bonding, पॉसिबल पाई बॉन्डिंग। देखो कैसे भाई, दो पी है, एक पी तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो चुका है, दो पी है तो पॉसिबल पाई बॉन्डिंग टू पी पाई पी पाई। भाई दो पी है तो दो अनहाइब्रिड बनाते पाई बॉन्ड, तो दो टू पी पाई बन सकता है। इसके पास वन पी पाई, यहां ये वाले इनके पास पी वेकेंट नहीं है, तो नेवर हैव पी पाई इनके, ये तो कभी भी पी पाई नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहां आपके पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पी पाई बनाएगा कैसे? और यहां ये टू पी पाई रख सकता है, ये वन पी पाई रख सकता है। ठीक है, तो यहां नेवर हैव पी पाई बिकॉज डू नॉट हैव अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, यू एच अनहाइब्रिड। कहानी समझ में आ गई ना आपको? अब यहां तो ये क्लियर हो गया, तो नेवर हैव पी पाई ऑलवेज हैव, ये तो पी पाई कभी नहीं रखेंगे। अब देखो, अब मैं बोलूं ऑक्सीजन के साथ किसके साथ, तो कैसे चेक करना है वो देखो आप। फर्स्ट पीपाई की पॉसिबिलिटी आएगी, देखो इधर
ये समझ में आ गया? अब देखो, चले आगे देखो, CO2 SP ये क्या है? SP ऑक्सीजन के पास सेकेंड पीरियड का है, तो इसके पास कितने हैं? 2p अनहाइब्रिड, कितने हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं इसके पास? UHO अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अबे तो कितने हैं? 2p। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का, तो इसके पास भी क्या है? ये भी क्या रखता है? पी। और ये भी क्या रखता है? पी। तो यहां कौन सा? इसका पी और इसका अनहाइब्रिड पी। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा बना? पी पाई। और ये भी कौन सा बना? पी पाई। क्लियर? अब मैं बात करता हूं अक्ष EO3 की। sp3 नो अनहाइब्रिड पी है क्या? जीरो पी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जीरो, एक भी नहीं है। तो अक्स EO3 ये हुआ, तीन पाई बॉन्ड हैं इसके पास। तो ऑक्सीजन का तो क्या पार्टिसिपेट होगा हमेशा? इन पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन पाई बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यहां ऑक्सीजन, इसके पास भी पी, इसके पास भी पी, इसके पास भी पी, तीन पाई बॉन्ड है, बट क्या इसके पास पी है? क्या नहीं है इसके पास? तो पी, ये तो sp3 हो गया ना, तो इसका पाई बॉन्डिंग कौन सा हुआ है? डी से। तो यहां तीन पाई बॉन्ड है और तीनों ही कौन से हैं? 3p πd π। पी ऑक्सीजन का और जीनोन का क्या यूज में आया है? डी यूज में आया है। तो p πd π। Cl(O)-, परक्लोरेट बोलते हैं, Cl डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, OO-। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3। चार सिग्मा बॉन्ड sp3, वैसे निकालोगे तो भी sp3। तो sp3 है तो इसके पास तो p है ही नहीं ना, तो देयर इज नो p πp π। यहां p πp π नहीं है क्योंकि क्लोरीन के पास तो p है ही नहीं, उसके पास तीन p थे, तीनों p किसमें इन्वॉल्व हो गए? हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए। तो यहां पे ये जो तीन बने हैं ना, ये तीनों किससे बने हैं? p πd π से। ऐसे अगर मैं बात करूं अक्स EO2F2, तो ये अक्स EOO F और ये F, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। तो दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड किससे बने हैं? p πd π से। मिटाऊं तो देखो पहले सेंट्रल एटम के पास है कि नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट चेक सेंट्रल एटम। देखो इफ सेंट्रल एटम हैव अनहाइब्रिड पी, इफ सेंट्रल एटम हैव
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पी, देन पी पाई विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अदरवाइज पी पाई डी पाई। ये लो, ये तुम्हें इससे ज्यादा प्यार है ट्रिक से, और ट्रिक से थोड़ा सा मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि ट्रिक है बेटा, और ट्रिक चाइनीज है, चले तो चले वरना नहीं चले। फिर भी क्वेश्चन हो जाएंगे 16 आपके, नीट के हो जाएंगे। अब देखो इधर, अब जैसे मैंने लिया ये वाला SO2 SP2 है ना, तो इसके पास अनहाइब्रिड पी और इसका पी, तो ये जो बॉन्ड बनाया ना एक, ये तो बनाया किससे, पी पाई से। अब एक ही पी पाई था, इसके पास एक ही एनहाइब्रिड पी था, तो एक बन गया पी पाई से। अब ये जो दूसरा बनेगा ना ये, तो इसका तो पी काम में आने वाला है, बट इसके पास केवल एक ही पी था, तो वो पी तो काम में आ गया। अब इसका दूसरा पाई बॉन्ड बना, वो कौन पार्टिसिपेट होगा, डी, तो ये दूसरा जो बना है वो बना है डी पाई पी पाई से। तो SO2 के पास दो पाई बॉन्ड है, एक बना है पी पाई से, दूसरा बना है डी पाई पी पाई से। SO3 SP2, तो तीन पाई बॉन्ड है, और इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पी कितना है, एक पी है, वन पी है, तो तीन पाई बॉन्ड में से तो वन तो बनेगा पी पाई से, पहले पी पाई से बनाएगा। अब जो दो बने ना, वो दो पाई बॉन्ड है, वो है पी पाई डी पाई। ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और बताऊं, SO4-2 तो SP3 आ गया, तो P तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ही किससे बने हैं, पी पाई डी पाई। ये P किसका, ऑक्सीजन का, और D किसका, सल्फर का। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो, सम स्पीसीज, सम कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड और आयनिक सॉलिड सम कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड और आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयनिक सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां कंपाउंड उसका कैटायनिक पार्ट, उसका एनायनिक पार्ट। जैसे वेल नोन है PCl5 इन सॉलिड, तो PCl5 सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक पार्ट होता है PCl4 प्लस, एनायनिक पार्ट होता है PCl6 माइनस। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 एक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन सॉलिड
स्टेट। तो पीसीएल फाइव का डायरेक्ट निकालोगे तो एसपी थ्री डी, बट सॉलिड स्टेट में पीसीएल फाइव पीसीएल फोर प्लस और पीसीएल सिक्स माइनस फॉर्म में रहेगा। डायरेक्ट पूछा हाइब्रिडेशन ऑफ पीसीएल फाइव तो एसपी थ्री डी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइब्रिडेशन ऑफ पीसीएल फाइव इन सॉलिड स्टेट या कैटायनिक पार्ट में क्या है, एनायनिक पार्ट में क्या है, तब इसका आएगा एसपी थ्री एंड एसपी थ्री डी टू। कैसे? यह है एसपी थ्री, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फाइव चार वन टू एसपी थ्री, कैटायनिक पार्ट का एसपी थ्री फाइव सिक्स वन टू एसपी थ्री डी टू। तो पीसीएल फाइव हाइब्रिडेशन ऑफ पीसीएल फाइव इन सॉलिड स्टेट, तो फिर बोलोगे sp3 एंड sp3 d2। pbr5 सॉलिड स्टेट, तो ये एग्जिस्ट करता है pbr4 प्लस एंड br माइनस, दोनों अलग अलग वे से देखो pbr4 प्लस और br माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो कैटायनिक फॉर्म का इसका एब्रेशन हो गया वही sp3। ये ध्यान रखने भैया, अक्ष ई एफ सिक्स सॉलिड, अक्ष ई एफ फाइव प्लस और एफ माइनस, ऐसे एग्जिस्ट करेगा अक्ष ई एफ फाइव प्लस और एफ माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आई सी एल थ्री सॉलिड, ठीक है, आई सी एल टू आई सी एल फोर प्लस और आई सी एल टू माइनस, आई सी एल फोर प्लस और आई सी एल टू माइनस, सी एल टू ओ सिक्स ClO4 माइनस ClO2 प्लस, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। I2 सॉलिड I3 प्लस, मतलब II2 प्लस और I3 माइनस, मतलब II2 माइनस, ठीक है। इसके अलावा ICL सॉलिड I2 CL प्लस और ICL2 माइनस, ठीक है, I2 CL प्लस और ICL2 माइनस। और बताऊं N2O3 N2O4 N2O5 सॉलिड सॉलिड और सॉलिड, इसका कैटायनिक पार्ट होता है NO प्लस NO2 माइनस, इसका होता है NO प्लस NO3 माइनस, इसका होता है NO2 प्लस और NO3 माइनस। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म या आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, इनका हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है, तो वो इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायपोल मोमेंट ये क्या बला है, डायपोल मोमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा डायपोल मोमेंट के साथ और उसके बाद एमओटी और उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर। ओके, थैंक यू।